नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी 1 करोड़। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बहुत ही बड़ी खबर। DA और DR बढ़ोतरी के साथ मिलेंगे 7 बड़े तोहफे। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ोतरी के साथ स्कोन से 7 बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों की होने जा रही है बल्ले बल्ले। केंद्र सरकार अक्टूबर 2024 में DA और DR में फिर 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। इस बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर में होने की संभावना थी लेकिन अब अक्टूबर में होगी। दोस्तों, 9 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में DA और DR की बढ़ोतरी को मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा। दोस्तों, हालांकि सरकार कोरोना महामारी के दौरान रोकी गई 18 महीने की DA किस्तों का बकाया अभी जारी नहीं कर सकती, इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं पर केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च करने की घोषणा की थी। यह स्कीम पेंशनर्स को और भी अधिक लाभ देगी। दोस्तों, DA और DR की गणना अखिलीय भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा कीमतों पर बदलाव को ट्रैक करता है। श्रम ब्यूरो हर महीने इस डेटा को प्रकाशित करता है। DA की गणना का फॉर्मूला है DA प्रतिशत बराबर है एवरेज ऑफ AICPI फॉर लास्ट 12 मंथ्स माइनस 261.42 मल्टीप्लाई 100 बाई में 261.42। यहाँ पे जो 261.42 साथ में वेतन आयोग के लिए आधार अंक है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था, जिसके केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन और भत्तों में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए गए थे। मूल वेतन में बढ़ोतरी, ग्रेड पे का खत्म होना, नया वेतन मैट्रिक्स, DA की गणना के लिए नया फॉर्मूला, नई भत्तों की शुरुआत होना। आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग भी लेकर आती है, जिसका उद्देश्य कर्मचारी के वेतन को समय के साथ समायोजित करना है। पिछले कुछ वर्षों से DA में कुछ ऐसी बढ़ोतरी हुई, जुलाई 2023 में 4% की, जनवरी 2024 में 4 की और अब होने जा रही है 3% की, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभाव में आएगी। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने DA की 3 किस्तें रोकी थी, जो 1 जनवरी 2020 थी, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 थी। यह फैसला आर्थिक संकट के कारण लिया गया था। दोस्तों, DA में बढ़ोतरी का केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उनकी क्रय शक्ति बढ़ती और वह बढ़ती महंगाई का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। दोस्तों, DA बढ़ोतरी के साथ कई अन्य भत्ते में भी वृद्धि होती है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस। दोस्तों, कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस महंगाई भत्ता बढ़ोतरी पर निर्भर करता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, टॉप लोकेशन अकाउंट, वाहन भत्ता, दिव्यांग बच्चों वाली महिलाओं के लिए विशेष भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, यात्रा भत्ता, ऐसे कई भत्ते हैं जो कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर ही डिपेंड करते हैं। अगर महंगाई भत्ता जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसके हिसाब से ये भत्ते कर्मचारियों को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।